नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे परिवार समेत। दोस्तों, हमेशा अपना मन धर्म में लगाएं, प्रेम में लगाएं, किसी की भलाई में लगाएं, किसी की अच्छाई में लगाएं। सुख समृद्धि सब कुछ सामने चल के आ जाती है। कितनी बार हमको ये लगता है कि मतलब आप किसी को जब समझाने जाएंगे तो वो आपसे ये सवाल पूछेगा, क्या मेरा ही कसूर है जो मैं आज इसके साथ कर रही हूं? क्या उसमें सिर्फ मेरा कसूर है? इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। ओके, उस व्यक्ति ने आपके साथ जैसा जैसा किया, आज आप जो जो कर रहे हैं तैयार रहे, उस व्यक्ति ने जैसा जैसा किया था उसका फल उसको मिलना है, और आप जो कुछ कर रहे हैं उसका फल आपको मिलना है। तो आपका जो हक है वो आपके कर्मों तक सीमित है, किसी के कर्मों पर आपका कोई बंधन नहीं है। पूरे दुनिया के जीवों के कर्मों को आप नहीं बताएंगे, बता पाएंगे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, और आप बताएंगे तो भी कौन करेगा? कोई नहीं करता। आप सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दें। वैसे भी जब बहुत सारा पैसा आता है तो क्या आप ये करते हैं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया आज आया है, चलो उसको दे दूं 1 लाख, दूसरे को दे दूं 1.5 लाख, उसको 50,000 ही दे दूं, ज्यादा नहीं? तो आप ऐसा सोचते हैं? नहीं, आज 1 करोड़ आ गया है, चलो डाल देते हैं जाकर के बैंक में, कल देखेंगे। तो जब अच्छाई आती है आपके पास तो उसको पूरी तरह से आप बटोरते हैं, लेकिन यदि कुछ भी तकलीफ है तो आप उसको फेंकते घूमते हैं दूसरों के ऊपर, और यहीं से बुरे कर्मों की हो जाती है शुरुआत। कोई भी व्यक्ति दुनिया में जानबूझकर किसी का गलत नहीं करता। जन्मजात कोई व्यक्ति किसी का न दोस्त होता है न दुश्मन होता है। दोस्ती दुश्मनी रिलेशनों में जो आप अच्छाई या बुराई अनुभव करते हैं वो आपके अनुभवों से ही आई हुई चीज होती है। लेकिन फिर भी सेल्फ कंट्रोल रख करके अपने कर्मों को सही दिशा में यदि आप आगे बढ़ाते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, है ना? कुछ एक बातों को करने में, सुनने में, पहले तो सुनने में कंटाला आता है। जब हमने सोच लिया है कि हम उसका सत्यानाश कर देंगे और कोई हमारे साथ सत्संग करने अगर आ गया तो उससे बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा। यार, मुझे करनी थी उसकी पिटाई और ये आ गई सत्संग करने, आपको वो सत्संग जहर जैसा लगेगा। लेकिन वही सत्संग के 2 शब्द हो सकता है आपको एक बुरा कर्म करने से बचा ले जाए। जब भी इंसान की इच्छा के विरुद्ध में कुछ होता है तो उसको नहीं अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। आप क्या चीज हो, किसी को नहीं लगता। फिर भी अपनी इच्छा के विरुद्ध में जाकर के भी कुछ अच्छा कर लेना, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना बहुत बड़ी चीज है। तो दोस्तों, चाहते हैं मैं खुश रहूं, सुखी रहूं, समृद्ध रहूं, तो खुद को कंट्रोल में हमेशा रखें, अच्छे उपायों को करें, अच्छे कर्मों को करें। उपायों से मेरा मतलब है अच्छे कर्म करें, अच्छी सात्विक पूजा पाठ करें, अनुष्ठान करें, कुछ ऐसा ज्ञान अर्जित करें जो ज्ञान आपको, जैसे आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तब आज आपको इंसान की योनि में जन्म मिला, इससे आगे देव योनि में भी जाएं। खराब कर्म करेंगे तो इसके बाद नीचे योनि में फिर से चले जाएंगे। तो ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूं, ये उपाय करने से आपके घर में धन आएगा। आप देखना, एक निर्धन व्यक्ति ना जप करवा पाता है, ना तप करवा पाता है, ना बड़े बड़े यज्ञ कर पाता है, ना हवन कर पाता है, ना देवी देवताओं को प्रसन्न कर पाता है, ना उनके पास कोई अच्छे आशीर्वाद आ पाते हैं, क्योंकि वो किसी को कुछ दे नहीं पाते। यदि आप किसी को कुछ देंगे नहीं तो वो बदले में आपको क्या देगा? कुछ नहीं, शून्य ही शून्य में खत्म। आप कितने ही सात्विक हैं, पर यदि आपको ये दुनिया की मायावी चीजें चाहिए तो आपको उन चीजों को देना भी होगा। इस प्रकृति को आप जो देंगे वही आपको मिलता है। तो सबसे पहले धन बहुत जरूरी है। धन है तो आप तमाम तरह के दान पुण्य करवा पाएंगे, तमाम तरह के वो कर्म जो आपकी जिंदगी को सुंदर बनाते हैं। शुक्र का जो ग्रह है ये वैभव से, सुख से, संपत्ति से जुड़ा हुआ है। आप एक काम करें, हर शुक्रवार
नहाने के पानी में थोड़ा सा चमेली का तेल डालें। चमेली का तेल डालने से आपका भाग्योदय होता है, लोग आपके दीवाने बनते हैं। कितनी बार आप देखना आप कितनी अच्छी बात किसी से कर रहे हैं पर वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं कर रहा है, तो आपकी सोने जैसी बात भी उसको अच्छी नहीं लगेगी। आप कितनी अच्छी बात कर लो उसको लगेगा ना, अंदर से वो बोलेगा ना ना ना। अगर वो बोल सके तो आपको कह देगा कि चल जा, नहीं बोल सकता इसलिए वो अंदर अंदर ना 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 यही करता रहेगा। वो खुद के अंदर आपकी एक भी अच्छी बात जाने नहीं देगा। यदि सामने वाला व्यक्ति आपको पसंद करता है तो आप बोलो नहीं, सिर्फ इशारा करो, वो भागेगा दौड़ेगा और आपका काम करेगा क्योंकि वो आपको पसंद करता है। चमेली का तेल जब आप नहाने के पानी में शुक्रवार के दिन डालेंगे तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आप उनसे वो काम करवा पाएंगे जो आप चाहते हैं। थोड़ा सा कपूर भी डालें, आपके व्यक्तित्व के अंदर जबरदस्त आकर्षण के साथ लक्ष्मी प्रदान बनेंगे। आप देखना एक ही प्लेस पर, एक ही धंधे पर, एक ही रोजगार पर बैठे दो व्यक्ति, एक इंसान है जो 10,000 की अर्निंग करता है, दूसरा व्यक्ति है वो 50,00,000 की अर्निंग करता है। जगह एक ही है, आपके अंदर लक्ष्मी बसी हुई है, जैसे पैसा पैसों को खींचता है ऐसे आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपके विचार धन को खींचते हैं। काम आप एक ही दो व्यक्ति को, लेकिन एक व्यक्ति उसमें से मुश्किल से 50,000 कमा पाएगा, दूसरा 1 करोड़ कमा लेगा क्योंकि उसके पास बुद्धि है इतनी। तो शुक्रवार के दिन नहाने के पानी में यदि आप चमेली का तेल और कपूर दो चीज डालते हैं तो एक तो आपका वशीकरण सिद्ध होता है, दूसरा आप लक्ष्मी प्रदान बनते हैं। ऐसे ही यदि आप बड़ी इलायची पानी में बराबर उसको पका करके उसका पानी भी डालते हैं, स्नान के पानी में मिला करके नहाते हैं, तो उससे भी आपके पास लक्ष्मी बहाने मार मार कर आती है। लेकिन जब आप इन उपायों को करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने एक शुक्रवार किया और छोड़ दिया, करते हैं तो उसको रेगुलर कुछ शुक्रवार करते रहें। किसी चीज को करें तो सोच ले कि मुझे तो ये चीज चाहिए, बस मुझे चाहिए, मैं कपूर नहीं भी डालूंगा तो भी मुझे चाहिए, और तब कपूर डालने से वो चीज आराम से मिलेगी। सबसे बड़ी चीज है आपका अपना डिटरमिनेशन, आप कितने डिटरमिन्ड हैं। आप जितने मजबूत होंगे आपका काम उतनी जल्दी होगा। कोई भी काम करें पॉजिटिव होकर के करें, मजबूताई से करें, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।